न्यायालय गुरुग्राम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का लोन लेकर डकारने के मामले में संतोष यूनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर पी महालिंगम, उनके बेटे डॉक्टर संतोष महालिंगम और एक अन्य आरोपी पुधुर मनी कोम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने को डॉक्टर महालिंगम परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पीएम फिनकैप लिमिटेड के निदेशक राजेश गुलाटी ने 2 जुलाई को डीएलएफ थर्ड थाने में संतोष यूनिवर्सिटी गाजियाबाद के पदाधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 34/506 के अंतर्गत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें संतोष यूनिवर्सिटी गाजियाबाद के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर पी महालिंगम, उनके बेटे और निदेशक डॉक्टर संतोष महालिंगम, संतोष ट्रस्ट और महाराज जी एजुकेशनल ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य डॉक्टर पुधुर मनिकोम के अलावा शर्मिला आनंद को नामजद करते हुए संतोष ट्रस्ट और महाराज जी एजुकेशनल ट्रस्ट बोर्ड को आरोपी बनाया गया था। राजेश गुलाटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी से मार्च 2015 में रसूखदारी का प्रमाण देते हुए राजनीतिक और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के साथ फोटो दिखाकर और अन्य साजिशों के तहत उनकी कंपनी से 35 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इस कर्ज की एवज में उन्होंने अकबरपुर, बहरामपुर, मिर्जापुर की कृषि भूमि और प्रताप विहार के 272 फ्लैट के दस्तावेज सिक्योरिटी के रूप में कंपनी के पास रखे थे। आरोपियों ने अग्रीमेंट में 3 सितंबर 2015 तक ब्याज समेत ऋण चुकता करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आरोपियों ने निर्धारित समय से ऋण चुकता नहीं किया। इसके विपरीत ऋण की अदायगी की मांग करने पर विभिन्न आपराधिक तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, आरोपी विभिन्न राजनीतिक हस्तियों के नाम पर धमकाने में लग गए। पुलिस में पंजीकृत शिकायत के आधार पर एसीपी ने आरोपियों को 5 जुलाई को पूछताछ के लिए भी तलब किया था। संतोष यूनिवर्सिटी गाजियाबाद के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर पी महालिंगम, उनके बेटे डॉक्टर संतोष महालिंगम और अन्य आरोपी पुधुर मनिकम की अग्रिम जमानत के लिए गुरुग्राम अपर सत्र न्यायाधीश माननीय शशि चौहान के न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने 6 पेज के ऑर्डर में कहा कि आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर अपराध प्रवृत्ति के हैं। आईपीसी की धारा 467 में आजीवन कारावास का प्रावधान है, इसलिए मामला आरोपियों को अग्रिम जमानत देने योग्य नहीं है। आपको बता दें, इसी प्रकार की साजिश के तहत संतोष ग्रुप ने हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि हुडको से भी साल 1995 में 75 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जिसकी राशि चुकता न करने पर संतोष ट्रस्ट और महाराज जी एजुकेशनल ट्रस्ट की सिद्धार्थ विहार स्थित 63 एकड़ भूमि समेत 5 अन्य संपत्तियों को हुडको अपने कब्जे में ले चुकी है। अब हुडको ने संतोष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भी नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रकार संतोष ट्रस्ट ने हुडको के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे मई 2015 में 455 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश दिए थे। 2019 में भी पी महालिंगम और उनके बेटे संतोष महालिंगम पर केस दर्ज हुआ। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने और धमकी देने का आरोप, ट्रस्ट के नाम पर पैसे लेकर न लौटाने का आरोप, 8,60,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला, रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, 8 धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ था। ये बात भी जग जाहिर है कि संतोष विश्वविद्यालय की स्वामी वाली कंपनी सालों से देनदारी के अनेक मुकदमों में पूरी तरह से फंसी हुई है। देनदारी के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहां तक भी टिप्पणी कर दी कि महालिंगम तो आदतन कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है। आपको ये भी बता दें कि संतोष अस्पताल चेन्नई कर्ज की देनदारी न करने के कारण दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में है।
इस अस्पताल को कर्ज देने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। संतोष अस्पताल चेन्नई की डीसीबी बैंक की भी बड़ी देनदारियां हैं। गुरुग्राम के जिला एवं सत्र न्यायालय ने डिफॉल्टर्स संतोष यूनिवर्सिटी गाजियाबाद के पदाधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस आदेश से महालिंगम परिवार को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी पर लाखों के या फिर करोड़ों के गबन के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के विख्यात एडवोकेट प्रशांत यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर, क्या मामला है ये, कब ये शुरू किया गया था, अब इसमें क्या अपडेट है? देखिए, ये कंप्लेंट पीएम फिनकैप प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसने ये शिकायत पेश की कि 35 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन दोषी जो कि एक संतोष ट्रस्ट के चार दोषियां ने उनसे 2015 में बैंक ट्रांजैक्शन की थी। उस ट्रांजैक्शन के बाद उन्होंने बैंकिंग का पीएम फिनकैप कंपनी को 63.5 एकड़ का चार्ज दिया जो कि मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थी, और जो कि ये कहा गया कि अगर वो बैंक जो लोन जो हमें दिया गया है वो वापस नहीं कर पाए तो इन प्रॉपर्टीज को बेच के या इनको पोजेशन में लेके उसकी भरपाई की जा सके। उसके बाद ना वो पैसे वापस किए गए और ये पाया गया कि जो प्रॉपर्टी थी 63.5 एकर्स, वो प्रॉपर्टी SRS कंस्ट्रक्शन कंपनी को इलीगल तरीके से बेच दी गई। अब यह ट्रस्ट से ये भी पता चला ये लोगों ने और अलग अलग कंपनीज के साथ 75 करोड़ रुपीस किसी एक कंपनी से, 20 करोड़ किसी एक कंपनी से, और हुडको से भी जो कि एक सरकारी संस्था है उससे भी ये पैसे लेके मैनिपुलेट कर रहे थे। जब ये कंप्लेंट मैसेज फिनकैप पीएम फिनकैप द्वारा गुड़गांव पुलिस को पेश की गई तो उन्हें बुलाया गया, और जब उन्हें नोटिस ऑफ अपीयरेंस दिया गया तो उन्होंने कोर्ट में एक जमानत की याचिका दायर की। उस याचिका को माननीय अदालत शशि चौहान जी लंडन ASJ ने खारिज कर दिया और इनकी कस्टडी के आदेश किए हैं। अभी यह लोग भागे हुए हैं और ये अभी पुलिस से छुपे हुए हैं। इन लोगों में डॉक्टर परम शिवम महालिंगम, डॉक्टर संतोष महालिंगम, पुदुर महालिंग नरगुमन एंड शर्मिला आनंद, ये चार दोषी हैं जो इस समय भागे हुए हैं और छुपे हुए हैं। इन पर 150 करोड़ रुपए के पैसे की मिसअप्रोप्रिएशन और साइफनिंग ऑफ के आरोप है। कभी मामला दर्ज किया गया था सर, और ये जो आरोपी हैं कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से इन्होंने इस फ्रॉड को अंजाम दिया? इन दोनों पक्षों के बीच पहले सिविल के कुछ मुकदमे व 138 NI एक्ट के मुकदमे चल रहे थे, पर जब इस फ्रॉड का ज्ञात हुआ कि ये प्रॉपर्टी जो 63.5 एकड़ लैंड जो बेच दी गई, उसके बाद मजबूरन इन हालातों में शिकायत पेश की गई कि फ्रॉड के लिए, चीटिंग के लिए और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के लिए। यह जब कंप्लेंट पेश की गई तो ACP DLF गुड़गांव ने इन्हें अपनी इंक्वायरी में पेश होने के लिए कहा। चूंकि ये लोग गिल्टी होते हैं, इन्होंने इनके बैंक ट्रांजैक्शन कागजों में थी, ये लोग घबराए हुए थे और ये लोग भाग गए, इसीलिए ये लोग आज पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे और रूपोश हो गए हैं। कितने करोड़ का ये तकरीबन मामला है सर? यह मामला पीएन फिनकैप की शिकायत के मुताबिक 150 करोड़ रुपीस का मामला है जो कि उन्होंने देने हैं, और उनके लिए वो अपनी अकाउंट टेबल और जो अपनी काउंटिंग्स हैं वो पुलिस को दे चुके हैं। जब ये जवाब मुलजिमों से मांगा गया कि आप द्वारा कितने पैसे देने बकाया हैं, वो उन्होंने पेश होने से मना कर दिया, और इसीलिए उन्होंने गिल्टी थे इसीलिए याचिका लगाई, बेल याचिका उनकी खारिज हुई और अब वो लोग भागे। क्या कुछ और कागजात भी आपके हाथ लगे हैं जहाँ पे इन लोगों ने अलग अलग लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड को अंजाम दिया हो? जब ये मामले का पता चला कि इन्होंने जमीन बेच दी है तो मुदई कंपनी ने अपने सोर्सेज से पता किया कि इन लोगों ने पहले भी अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग लोगों से बहुत सारे पैसे लिए हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है कि ये किसी भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हैं, उस पैसे को ये मिसअप्रोप्रिएट करते हैं, एक इधर से उधर करते हैं, जबकि उस पैसे का यूज़ किसी और के लिए किया जाता है। और अब ये पता चल रहा है कि इन्होंने बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से
करीब 75 करोड़ रुपए लिए हुए हैं। हुडको ने, हुडको जो कि सरकारी इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने इनकी जमीन भी जब्त की है और उसे नीलाम भी किया है। सो ये लोग वो हैं जो कि फ्रॉडुलेंट वाइट कॉलर क्राइम में इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं। इनका काम इसी प्रकार डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सरकारी पैसे को मिस अप्रोप्रिएट करना है। यह मामला आगे चल के मनी लॉन्ड्रिंग में भी जा सकता है। फर्जी तरीके से क्या ये पेपर्स तैयार किए गए थे जिनके आधार पर न केवल लोन लिया गया बल्कि अलग अलग लोगों को से फ्रॉड भी किया गया? इन्होंने फर्जी कागजात ये तैयार किए कि जब हमसे पीएम फिनकैप से इन्होंने लिखित में चार्ज उस प्रॉपर्टी का दे दिया तो हमसे कंसील करके दूसरे डिपार्टमेंट्स को दे के उनसे पैसा प्राप्त किया और उस पैसे को भी मिस अप्रोप्रिएट किया। उस पैसे को भी वापस कर सकते थे अपने लोन को, उन्होंने वापस नहीं किया। सो ये एक वो मामला है जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम का एक मामला है जिसमें लोग पैसे लेते हैं और उसको मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और इस पैसे को इलीगली पॉकेट करते हैं। तो ये हमारे साथ प्रशांत यादव जी थे। हालांकि देखिए जो आरोपी हैं इसके अंदर उनकी जमानत याचिका रद्द की जा चुकी है और पुलिस को ये आदेश दिए जा चुके हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अभी गुरुग्राम पुलिस के हाथ ये लोग नहीं चढ़े हैं लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता।